लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राहुल गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत को लेकर पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अमेठी और वायनाड पर संशय बना हुआ था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। शनिवार को पार्टी की ओर से इस बारे में संकेत दिया गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तब तक दूसरे चरण में वायनाड में मतदान हो चुका होगा, जहां से वह अभी पार्टी प्रत्याशी हैं। पार्टी का मानना है कि अब भी गांधी परिवार को इन परंपरागत सीटों पर अधिक प्रचार की आवश्यकता नहीं है। शायद इसी वजह से अब तक पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोलने से परहेज किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर आगामी 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होना है। आगामी 27 अप्रैल से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस वायनाड के मतदाताओं को मतदान से पहले यह संदेश नहीं देना चाहती है कि राहुल गांधी यह सीट छोड़ सकते हैं, अथवा वायनाड के विकल्प के रूप में अमेठी सीट भी है। इसलिए अभी तक कांग्रेस ने रणनीति के तहत अमेठी से पार्टी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल के वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वह अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। इसी के साथ आपको बता दें, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस चरण के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, मोना सलमान खुर्शीद, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी, सचिन पायलट, निर्मल खत्री, राज बब्बर, पी एल पुनिया समेत 40 पार्टी के नेता शामिल हैं।